दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आईपीएल 2022 का लगभग आधा सीजन खत्म होने को आया है। ऐसे में राजस्थान रॉयल के लिए दो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन को लेकर राहुल द्रविड़ ने बड़ा बयान जारी किया है। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी राजस्थान रॉयल को प्ले ऑफ में देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों संजू सैमसन राहुल द्रविड़ की खोज माने जाते हैं। राहुल द्रविड़ की कप्तानी में इंडिया ने कई सीरीज जीती है। वहीं द्रविड़ की कोचिंग में साल 2018 का अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता था। दरअसल राहुल द्रविड़ ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की एक पीढ़ी को संभाला है। उन्हीं युवा खिलाड़ियों में से एक है संजू सैमसन। राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन ने एक ऐसे ही लम्हे को याद किया है। उन्होंने बताया कि वे राजस्थान रॉयल टीम में तब उन्होंने द्रविड़ का ध्यान अपनी ओर खींचा था। दरअसल साल 2013 में राहुल द्रविड़ ने 18 साल के संजू सैमसन के टैलेंट को पहचाना और राजस्थान रॉयल टीम का हिस्सा बनाया। संजू सैमसन ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं द्रविड़ के साथ बैटिंग करूंगा। सैमसन ने बताया कि उन दिन राजस्थान रॉयल के लिए वे नए थे। उन्होंने बताया कि मैं नेट में बैटिंग कर रहा था, तभी मेरे एक शॉट पर द्रविड़ ने कहा, वाह क्या शॉट है, जिसके बाद मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। द्रविड़ के ऐसा कहने के बाद मैं दो दिन तक उसी तरह बैटिंग करता रहा। साथ ही सैमसन ने बताया कि द्रविड़ ने उनसे कहा कि मुझे पता है कि तुम घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। सैमसन ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं द्रविड़ के साथ बैटिंग करूंगा। जिसके बाद द्रविड़ सर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, कोई जल्दी नहीं है संजू, तुम समय लो अपना। और वहीं राजस्थान रॉयल के लिए दूसरी बड़ी अपडेट, राजस्थान रॉयल की ये शेयर विराट पर पड़ा भारी। राजस्थान रॉयल के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर से फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो 20 मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और जल्द ही आउट हो गए। हालांकि अपनी छोटी सी पारी के बाद भी उन्होंने विराट कोहली का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोलकाता के खिलाफ मैच में जोस बटलर कुछ खास नहीं कर पाए थे और इस मैच में मात्र 22 रन बनाकर आउट हो गए। इसी दौरान उन्होंने 25 गेंदों का सामना किया और केकेआर के खिलाफ वो टच में भी नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने इस पारी के दौरान कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। शानदार फॉर्म में चल रहे बटलर ने इस सीजन में 10 मैचों में 588 रन बनाए हैं, जिसके बाद वो आईपीएल के शुरुआती मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था। विराट कोहली ने 2016 में आईपीएल के शुरुआती 10 मैचों में 568 रन बनाए थे। बटलर ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस सीजन के 10 मैचों में 588 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 65.33 का रहा, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 150.77 का रहा। इसके अलावा उन्होंने इस सीजन में 3 शतक और 3 अर्धशतक बनाए हैं। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।